गुड इवनिंग हिमाचल। नगर पंचायत भोटा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को बाजार में पहुंचकर दुकानदारों को निर्देश दिए कि वे जल्द कोविड टेस्ट करवा ले, नहीं तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई अमल में ला सकता है। बता दें कि भोटा में लगभग दो दिन में 190 के करीब दुकानदारों के टेस्ट हो चुके हैं, जबकि 40 दुकानदारों ने अपने टेस्ट नहीं करवाए हैं। वहीं बड़सर बीएमओ ने कड़े निर्देश दिए हैं कि जिन दुकानदारों ने कोविड टेस्ट नहीं करवाए हैं, उन्हें हर हाल में कोविड टेस्ट करवाना ही होगा, नहीं तो प्रशासन कड़े कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाए। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी एसओपी के बाद अब सभी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। इसके तहत जिला बिलासपुर में अब तक शादी समारोहों के लिए 125 आवेदन आ चुके हैं, जबकि धार्मिक समारोहों के लिए 44, सोशल समारोहों के लिए 21, शोक सभाओं के लिए 4 और अन्य कार्यक्रमों के लिए 11 आवेदन आए हैं। जिन कार्यक्रमों व समारोहों के आयोजन के लिए अनुमति दी जा रही है, वहां कोविड 19 नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन कड़ी नजर रख रहा है। एसडीएम सदर रामेश्वर दास ने बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मद्देनजर कोविड 19 को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार हम कोविड 19 को रोकने के लिए अपने सारा प्रशासन भरसक प्रयत्न कर रहा है। मैं अपने हर समारोह में जो हमारे सब डिवीज़न के अंतर्गत किए जा रहे हैं, चाहे वो शादी समारोह हो या कोई सोशल गैदरिंग हो या कोई धार्मिक समारोह हो, मैं लगातार वहाँ पे चेकिंग पे जा रहा हूँ। और बहुत अच्छी बात ये है कि लोग डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से हमारा कोविड 19 की जो एसओपी गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई है उसको फॉलो कर रहे हैं। जिला ऊना में कोरोना संक्रमण से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे की ही बात की जाए तो ऊना जिला में कोरोना के चलते दो मौतें हो चुकी हैं। जिला में अब तक 28 लोग कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ चुके हैं। माना जा रहा है कि कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर भी लोग कोविड टेस्ट नहीं करवा रहे हैं और जब दिक्कत बढ़ जाती है तो लोग अस्पताल पहुँचते हैं। इस कारण कोरोना संक्रमण से ज्यादा मौतें हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ऊना ने भी माना कि पहले के मुकाबले मौत का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए लोग स्वयं जिम्मेदार हैं जो कि समय पर अपना कोविड टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। कोरोना के खतरे के बावजूद हमीरपुर जिला में शादी समारोह समेत कुल 563 आवेदन जिला प्रशासन के पास पहुंचे हैं। इन आवेदनों में अधिकतर आवेदन शादियों के आयोजन के हैं। जिला प्रशासन की माने तो अब ऑनलाइन ही आवेदन प्रशासन के पास आयोजकों की तरफ से पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी आयोजन से पहले आयोजनकर्ताओं की काउंसलिंग के लिए भी उनके घर पर दस्तक दे रहे हैं। 300 से अधिक विजिट जिला में विभिन्न उपमंडल में अधिकारी कर चुके हैं और इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी गई है। बता दें कि प्रशासन द्वारा गठित उड़न दस्ते कार्य कर रहे हैं। ये उड़न दस्ते शादी ब्याह वाले घरों में दस्तक देकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं तथा नियमों की अवहेलना पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा रही है। जिला पुलिस हमीरपुर ने 320 ग्राम छिट्टे की बड़ी खेप हमीरपुर में बरामद की है। सदर थाना के अंतर्गत यह खेप बरामद की गई है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी पहले भी नशा तस्करी के कई मामलों में आरोपित हैं। आरोपियों की पहचान शिवम पटियाल और सतीश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने कहा कि पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि लोकल मार्केट के हिसाब से इस नशीले पदार्थ की कीमत 25 लाख के करीब है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए है। जी दोनों, एक तो है हमीरपुर का इस झांडी विलेज का है सतीश कुमार, और शिवम पटियाल है अपना मोहिन, है ना, मोहिन बीपीओ मोहिन। एक तो अपना पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ता है जो कम उम्र का था, 23 उम्र का लड़का है। दूसरा मेरे को लगता है उसका कोई जॉब नहीं। देखिए इसमें हमारा पुलिस टीम वो पेट्रोलिंग पे थे और उस समय हमने ये सदर पुलिस स्टेशन के इलाके में ही हमने ये कैच किया था। देखिए ऐसा है कि ये बाहर प्रदेश से इन्होंने लाया था ये,
और इसको बेसिकली यहाँ पर छोटे छोटे हिस्सों में ये डिवाइड करके यहाँ पर सप्लाई करने का इनका इरादा था, और पहले भी ये ऐसे ही काम करते आ रहे थे। और ये बेसिकली जब सप्लाई करते हैं तो काफ़ी यहाँ पर लोकल कंज्यूमर्स होते हैं, छोटे छोटे लड़के, कॉलेज के पढ़ने वाले लड़के, उनको सप्लाई करने का इरादा था। सर ये जो इसकी क्लास है कौन सी, ईयर कौन सा है? ये मैं आपको कंफर्म करके बता सकता हूँ, अभी मेरे पास उसका डिटेल्स नहीं है। और हमीरपुर में है ये कि बाहर है? कहाँ पर है? हमीरपुर। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर के पीछे पहाड़ी पर बने प्राचीन तारा देवी मंदिर के पास एक रेंज शेल्टर में एक अधेड़ का शव बरामद हुआ है। यह व्यक्ति पिछले कई दिनों से यहां रेंज शेल्टर में ही रह रहा था। उसके पास कोई भी पहचान पत्र नहीं मिला है, जिससे इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। डीएसपी ज्वालामुखी तिलक राज व थाना प्रभारी मनोहर चौधरी ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया और मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ दिन तक इस शव को देहरा के शव गृह में रखा जाएगा, ताकि यदि इसकी पहचान हो जाए तो शव को परिजनों के हवाले कर दिया जाए। ज्वालामुखी थाने में अभी सूचना मिली कि एक तारा देवी मंदिर के पास एक जो व्यक्ति है नेपाली मूल का, उसकी मौत हुई है। मौके पर आए है, पुलिस आई है, तो ये कोई नेपाली मूल का व्यक्ति लग रहा है। किसी बीमारी के कारण इसकी मृत्यु होना लग रही है। बाकी इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, पोस्टमार्टम में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसको 72 घंटे के लिए रखा जाएगा मोर्चरी में, और कोशिश की जाएगी कि इसके बारसान का पता लग जाए।